तो सेकंड स्टॉल पे एक यहाँ पे भी कस्टमर मिले हैं जो चाय भी बहुत रेगुलर पीने आते हैं और हाथ में एक शेक है, आई थिंक भैया शेक है ना, ये किटकैट शेक, किटकैट शेक है। तो किस तरह का टेस्ट है मैं दर्शकों को बताएं यहाँ पे आने के लिए? बहुत प्यारा टेस्ट है, अगर आप इसको ठंडे के मौसम में लेते हैं तो और भी मजा आएगा। और कुछ चीज और भी आप मतलब बर्गर और सैंडविच भी आप यहाँ से लिए? हाँ, बर्गर अक्सर खाते हैं यहाँ का, बर्गर का टेस्ट काफी अच्छा है, तो बहुत दूर से आते हैं खाने के लिए, उधर राजीव नगर साइड रहते हैं। Okay. बट बर्गर खाना होता तो यहीं आते हैं। आज के युवा लोग को बोलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो ओनर है अभिजीत जी आप देख चुके होंगे अभी, तो युवा लोग का क्या बताना चाहेंगे कुछ किस तरह से स्टार्टअप किया सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है। आजकल जितने भी फूड का स्टॉल बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग कमा ही रहे हैं, तो उनको भी स्टार्ट करना चाहिए, चाहे ये चाहे कुछ और। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से हम अभी आरपीएस मोड पे हैं, जो पहले भी हम लोग बना चुके थे मिस्टर चाय वाले का, चाय का दुकान। एक नया स्टॉल ये फिर से ओपन किए हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, अभी बर्गर से लेके शेक्स तक यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो इसका भी अभी हम लोग वीडियो बनाने आए हैं, क्योंकि नया अभी स्टॉल ये ओपन किए मिस्टर चाय वाले। तो मेरे साथ हैं अभिजीत जी, जो यहाँ के ऑनर हैं, तो कुछ बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे अभी एंटरप्रेन्योर हैं जो नए बन रहे हैं, कि कैसे ये सेकंड स्टॉल ओपन किए और कैसे कैसे अभी इनका वृद्धि हो रहा है और नए नए चीज़ों में ये आगे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिजीत जी, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। धन्यवाद धन्यवाद, सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत सारा प्यार हमारे दर्शकों से मिला है, तो आगे भी हमको लग रहा है जो नया स्टॉल खुला है उसके बारे में बताएं कि यहाँ क्या क्या अभी मिलना स्टार्ट हुआ है और ये नया स्टॉल का कैसे आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आई। ये स्टॉल स्टार्ट हुआ था जून के महीने में ही, सेकेंड स्टॉल, ठीक है। लोग मतलब यहाँ पे ये सब जो आइटम यहाँ पे बिक रहा है अभी, वो यहाँ आसपास लोकल मार्केट में कहीं बिकता नहीं है, उसके लिए लोग अपना कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट वगैरह जाके खाते थे, तो उसी को माइंड में रखते हुए ये सब आइटम न्यू यहाँ पे शुरू किया गया स्ट्रीट फूड में। जैसे यहाँ पे हमारे पास है बर्गर हो गया, शेक हो गया, लस्सी हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गया और सैंडविच हो गया। इसी सब में बहुत सारे वैरायटी हैं हमारे पास, बर्गर में हो गया पनीर बर्गर, चीज़ बर्गर, ये मतलब सारी वैरायटी का बर्गर आप दे रहे हैं। और यहाँ पे सैंडविच भी आपको मिल रहा है? सैंडविच भी है, अच्छा। छः प्रकार का सैंडविच है और चार प्रकार का बर्गर है, छः प्रकार का शेक है, लस्सी है, कोल्ड कॉफ़ी है। अच्छा, प्राइजेस तो मैं अभी मेन्यू का डाल दूंगा। सबसे पहले चीज़ तो ये थोड़ा सा बताएं हमारे युवा लोग को, जो युवा आज के डेट में बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब का तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगारी का सामना कर पा रहे हैं, तो चीज़ें किस तरह से आप स्टार्ट किए? एक चाय का स्टॉल आपने स्टार्ट किया आरपीएस मोड पे, आज आपका सेकंड स्टॉल यहाँ पे लग चुका है, जून से आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज के युवा लोग के थोड़ा सा बताएं कि युवा क्या करें कि ये सब चीज़ अपना स्टार्टअप आप कैसे किए थे और अभी का जो अभी चल रहा है वो कैसे आपके माइंड में क्या क्या आ रही है आज के युवा के लिए? स्टार्टअप को लेके पहले खुद को कन्विंस करना होता है कि हाँ, हम जो काम अपना कर रहे हैं या फिर जो शुरू करना चाहते हैं वो उसको करने के लिए पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। रोड पे खड़ा हो के कोई भी काम करना है या फिर कोई भी कुछ भी हो, वो पहले आप अपने आप को कन्विंस कीजिए कि हाँ, हम कर सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं, उसमें फिर कोई ये नहीं है। अच्छा, कुछ अभी युवा लोग के लिए कुछ आप एक क्या बोलते हैं पिच लाइन होता है कि युवा लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो इस चीज़ से, तो कोई पिच लाइन है हमारे युवा लोग दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई पिच लाइन है? पिच लाइन यही है कि जो आपका दिल कर रहा है वो कीजिए, ये मत सोचिए कि नहीं हम जॉब ही करेंगे या फिर बिजनेस ही करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे कुछ छोटा करेंगे, कुछ नहीं। अगर आप एक स्टॉल लगाने में कंफर्टेबल हैं आप वो कीजिए, आपको जो मन में आ रहा है आप वही कीजिए, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप उससे शुरू कीजिए, आप उससे शुरुआत करके एक बहुत लेवल अप तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को कोई चीज़ ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, वो चीज़ आप कर रहे हैं, आप आगे तक उसमें नहीं जा सकते, आप कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आप आगे तक जा सकते हैं, जिसमें आपका दिल लगता है जो करने में, आप ये कीजिए, ये ट्राई कीजिए। अभी के युवा के लिए यही संदेश है कि जो आपका मन कर रहा है उस पर कीजिए। ठीक,
तो जैसे कि आप लोग पुराने वाले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिए हैं, तो आगे भी ये वीडियो में प्यार दीजिए और ये स्टॉल पे आके खाइए। आरपीएस मोड़ पे ये स्टॉल नया स्टॉल खुल चुका है और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है जो रेस्टोरेंट में आप जाके खाते हैं, और हाइजीनिक का पूरा यहाँ पे देखा जा रहा है और बहुत सारे सेक्स भी अवेलेबल है। मैं आगे जाके आपको मेन्यू यहाँ पे डाल दूंगा। तो बर्गर भी बहुत अच्छे से भैया बना रहे हैं, जैसे आप बर्गर देख रहे होंगे कि बर्गर भी अभी पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो आप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे चल के मैं इस तरह के वीडियो लाऊंगा और इसी तरह के जो स्टार्टअप किए हुए हैं और आगे बढ़ने का जिसमें जज्बा है उसी तरह का वीडियो मैं आपके पटने वासियों का यहाँ पे पटना से बिहार वासियों का भी मैं लाऊंगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले जगह और अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।